ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम। अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला शिव जी के बहुत सारे स्तोत्रों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाला या प्रमुख स्थान रखने वाला एक ऐसा स्तोत्र जो मनुष्य की हर एक अभिलाषाओं को अवश्य ही पूर्ण करता है, और इसीलिए इस स्तोत्र का नाम है अभिलाषाष्टक स्तोत्र। और यह इतना सुंदर स्तोत्र है जो शतरुद्रीय संहिता में भी है, स्कंद पुराण में भी है और शिव रहस्य में भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसी में इसी स्तोत्र के कुछ कुछ जो प्रयोग आदि है वह आपको धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में भी प्राप्त हो जाएंगे। जैसे बहुत लोग इसको ऐसे मानते हैं, इस अभिलाषाष्टकम स्तोत्र को, कि जैसे यह केवल पुत्र प्राप्ति हेतु है, किंतु सिर्फ पुत्र प्राप्ति हेतु यह स्तोत्र नहीं है। मनुष्य की हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, मनोपूर्ति हेतु, लेकिन पुत्र प्राप्ति हेतु इसलिए इसको माना गया है। इसमें जो कथा है उस कथा में भगवान शिव बाल स्वरूप में क्या कहते हैं, क्या लीला की है भगवान ने, वो आज मैं स्तोत्र के माध्यम से आपको श्रवण कराऊंगा, कथा संक्षिप्त सुनाऊंगा, यह स्तोत्र भी मूल स्तोत्र सुनाऊंगा, उसके बाद उसका जो फल निरूपण है वो भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यह जो अभिलाषाष्टक स्तोत्र है वह बहुत ही उत्तम स्तोत्र है, और वैसे तो लिखा गया है, माना गया है और प्रमाण दिया गया है कि जो विश्वानर मुनि थे उनके द्वारा ही इस स्तोत्र की रचना की गई है, क्योंकि उन्हें बाल स्वरूप में शिव या शिव जी को ही अपने बाल स्वरूप में या बालक के रूप में उनको चाहिए थे, शिव जैसा पुत्र, शिव जैसा संतान उनको प्राप्त करना था। और इस स्तोत्र में या इसकी कथा में ऐसा है कि भगवान शिव के ऊपर या भगवान शिव के सामने अगर नित्य ही कोई कमल पुष्प अर्पण करता है, उस समय के अनुसार लिखा है कि विश्वानर मुनि ने 1,00,000 कमल पार्थिव लिंग के ऊपर अर्पित किए थे, और वो भी प्रति दिन और 1 साल तक, जो आज के समय अनुसार शायद संभव ना हो पाए, लेकिन अगर केवल 1 कमल भी घर में शिव जी के ऊपर अर्पण करें और 1 बार सिर्फ इसका पाठ किया जाए, 1 वर्ष पर्यंत लड़की या महिलाएं 5 दिनों को छोड़ के 1 वर्ष पर्यंत नित्य इस तरह से अगर पाठ करें, कमल कभी ना मिले तो केवल पाठ भी करेंगे तो भी अभिलाषा 1 वर्ष के अंदर भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। उसके साथ ये भी बताया है कि जब आप पार्थिव लिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं, तो पार्थिव लिंग की पूजा करके पार्थिव लिंग के सामने अभिलाषाष्टकम स्तोत्र का पाठ अगर कोई करता है तो अवश्य ही उसकी जो कामना है वह पूर्ण होती है। और यही किया था वैश्वानर मुनि या विश्वानर मुनि ने, पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन कमल का पुष्प अर्पण करके 1 वर्ष पर्यंत उन्होंने इस अभिलाषाष्टक नामक स्तोत्र का पाठ किया, और इसी पाठ और इसी 1 साल की तपश्चर्या के बाद भगवान शिव जी उस पार्थिव लिंग के मध्य में बिंदु में बाल स्वरूप प्रकट हुए थे, और बाल स्वरूप प्रकट होने के बाद इस विश्वानर मुनि को जो सारे वरदान दिए थे बाल रूप में, भगवान ने बहुत कुछ उन्हें मतलब श्रवण करवाया था, और वैश्वानर मुनि या विश्वानर मुनि बालक रूप शिव को देखकर कृतार्थ हो गए, और आनंद के कारण, खुशी के कारण उनका जो शरीर था वह रोमांचित हो पड़ा। बारम्बार वो शिव जी के उस बाल स्वरूप को नमस्कार करते थे, साष्टांग नमस्कार करते थे, तो उस विश्वानर मुनि ने भगवान स्वरूप में ही या भगवान की ही कृपा से जो स्तोत्र की उस बाल स्वरूप में रचना की थी, इसका नाम है यह अभिलाषाष्टक स्तोत्र। अब यह स्तोत्र मैं आपको श्रवण कराऊंगा, उसके बाद उसका जो फल निरूपण है इसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको श्रवण कराऊंगा। तो वो स्तोत्र ये है। स्तोत्र की शुरुआत करने से पहले मैं ये बता दूं, आप चाहे तो एक सिर्फ गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो, अन्यथा इसका कोई नियम नहीं है, किसी भी समय आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप पार्थिव लिंग बनाकर पूजा आदि करते हो तो प्रयत्न कीजिए प्रातः काल ही स्तोत्र का पाठ करें, अन्यथा घर में ही शिवलिंग है उनके सामने इसका पाठ कर सकते हो। ओम विश्वानर उवाच, एकम ब्रह्मैव द्वितीयम समस्तम सत्यम सत्यम नेह नानास्ति किंचित, एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्माद एकम त्वं प्रपद्ये महेशं
कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो नाना रूपेष्वेक रूपोऽप्यरूपः यत्वत् प्रत्यग्धर्म एकोऽप्यनेकस्तस्मान्नान्यं त्वं विनेशं प्रपदये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रौप्यं नरैः पुरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वत्त तद्वद्विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपदये महेशं तोये शैत्यं दाहकत्वं च वहनौ तापो बानौ शीतबानौ प्रसादः पुष्पे गन्धौ दुग्धमध्येऽपि सर्पिर् यत्तच्छ शम्भो त्वं ततस्त्वं प्रपदये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्र स्यग्राणस्त्वं व्यग्रियासि दूरात् व्यक्षः पश्यस्त्वं रसग्नोऽप्यजिहेवः कस्त्वं सम्यग्वेत्यतस्त्वं प्रपदये नो वेदस्त्वं ईश साक्षाद्दिवेद नो वा विष्णुर्नो विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानिन्द्रमुख्यश्च देवा भक्तो वेदत्वामतस्त्वं प्रपदये नो ते गोत्रं नेष जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्यः सर्वान् कामान् पूरयेस्तद् भजे त्वं त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोति शान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवात्वं च बालस्तत्त्वं यत्किं नान्यस्तत्त्वं न तोऽहम्। ये इतना अद्भुत सुंदर सा अभिलाषाष्टक नाम का सूत्र है और जैसे इसके महात्म्य में भी लिखा हुआ है कि महारुद्र जपोवापि लक्ष पद्मैः शिवार्चनम् प्रत्यहं प्रार्थिवल्लिंग पूजां कृत्वा अभिलाषाष्टक जपम संवत्सरम कुर्यात्। अर्थात अगर कोई भी मनुष्य भगवान शिव के ऊपर कमल समर्पित करने के बाद कम से कम एक बार भी अभिलाषाष्टक स्तोत्र का पाठ करता है एक वर्ष पर्यंत एक संवत्सर पर्यंत अवश्य ही भगवान शिव उनकी अभिलाषाओं की कामनाओं की हर एक प्रकार की इप्सित कामनाओं की पूर्ति करते हैं। स्तोत्र बहुत ही छोटा है, थोड़ा उच्चारण में दिक्कतें हो सकती है अगर आप प्रथम बार यह करते हो, लेकिन धीरे धीरे अगर एक संकल्प आप कर लेते हो कि हर रोज पूजा पाठ करने के पश्चात शिव जी के सामने या शिवालय में या आपके ही घर में जो भी शिवलिंग हो उस शिवलिंग के ऊपर कमल पुष्प अर्पण करने के बाद एक कम से कम अभिलाषाष्टक इस स्तोत्र का पाठ करेंगे अवश्य ही भगवान शिव के क्या पता आपको भी दर्शन हो सकते हैं, क्या पता भगवान शिव स्वयं आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। एक अवश्य चीज कहूंगा, अगर आपको कमल ना मिल पाए तो हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमादाय पदयोर, शिव महिमा के अनुसार तो भगवान विष्णु ने अपने नेत्र समर्पित की थी, लेकिन मानसिक पुष्प मानसिक कमल भी अर्पण करने के बाद आप अभिलाषाष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। और यह कब मानसिक की मैं बात क्यों कर रहा हूँ और कब कर सकते हो, मानसिक रूप की बात है, जब अगर आप चाहे और अगर आपके पास कमल का पुष्प ना हो तब की बात है, क्योंकि मानसिक पुष्प भी अर्पण करने से भगवान शिव खुश होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, यह नारद पुराण में प्रमाण बताया हुआ है। और जैसे भगवान ने ही वरदान दिया था कि अगर कोई संतान की कामना हेतु या पुत्र की कामना हेतु इस अभिलाषाष्टक स्तोत्र का शिव जी के सामने नित्य कम से कम एक पाठ करता है, भगवान शिव के समान ही उसको भी पुत्र या संतान प्राप्त होता है। अगर प्रातः काल शौच आदि करने के बाद स्नान आदि करने के बाद नित्य संध्या पूजा पाठ अपना जो है वह कर लेने के बाद अगर कोई 8 बार या 28 बार इसका पाठ करता है एक वर्ष पर्यंत अवश्य ही उसे पुत्र या श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती ही है, ऐसा इसमें लिखा है, ऐसा भगवत का वचन भी है। और जैसे
इसके महात्म्य में जैसे कुछ कुछ श्लोक है जो मैंने एकत्रित किए हैं, और खास करके इसमें लिखा है कि कोई वैशाख माह में अगर इसका पाठ करता है, कोई कार्तिक माह में इसका पाठ करता है, और कोई माघ माह में अगर इसका पाठ करता है, तो भगवान शिव अवश्य उसकी अभिलाषाओं को पूर्ण करता है। जैसे लिखा हुआ है कि अगर कोई कार्तिक माह में इसका पाठ करेगा तो पितरों की शांति होगी, पितरों कृपा से श्रेष्ठ उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। कोई वैशाख माह में अगर इसका पाठ करता है तो वैशाख समृद्धि अपने घर में, अपने जीवन में हर एक प्रकार से समृद्धि की प्राप्ति होती है। कोई माघ माह में अगर इसका पाठ करता है तो माघे अर्थात माघ महीने में भी जीवन काल की सभी कामनाओं की पूर्ति होगी और अधिक से अधिक फल के साथ वृद्धि भी होगी। उसके बाद ये भी लिखा है कि यह स्तोत्र जब आप करते हो, अगर आपने इस स्तोत्र का पाठ शुरू किया है, अगर आपने इस स्तोत्र का संकल्प लिया है कि मैं एक वर्ष तक करूंगा यह पाठ या करूंगी, उसे गुप्त रखें, गोपनीय रखें। आप अपने गुरु से शेयर कर सकते हो, साझा कर सकते हो, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अन्य लोगों को इस स्तोत्र के विषय में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस कामना हेतु। अन्यथा जो फल आपको प्राप्त होना चाहिए वो विलंबित होगा या तो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इस स्तोत्र को मूल रूप से जो मैंने आपको अभी मूल स्तोत्र सुनाया है, वह आपको नित्य एक बार अपनी पूजा पाठ के पश्चात कम से कम एक बार एक कमल का पुष्प भगवान शिव को अर्पण करके एक बार पाठ कीजिए, या फिर 8 बार या फिर 28 बार आपकी जो भी अभिलाषा है वह शिव कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी ही होगी। ऐसा वैश्वानर मुनि का भी अनुभव है और ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अद्भुत यह स्तोत्र है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय हनुमान।